पैगाम, जैश मोहम्मद एजेंट। सभी लोगों को मीटिंग में अवगत कराया गया। उसे आप सभी ने पूरी समझदारी के साथ समझ लिया होगा और आप सभी को फोन के द्वारा 27 फरवरी 2019 को संदेश दिया जाएगा कि आप सभी की शर्तें मान ली गई हैं, पर जो काम करने होंगे उससे सब लोग अवगत हैं। एक काम, दिल्ली कानपुर रोड पर कानपुर से पहले 30 किलोमीटर पर कोई पुलिया को ब्लास्ट करना। निशाना, शताब्दी एक्सप्रेस, समय लगभग 12 बजे के आसपास 26 तारीख को 1.5 किलो RDX आपको आनंद विहार बस अड्डे पर दे दिया जाएगा। आपको उसको अंजाम देना है। दूसरा, 10 फीट बल्ली को काटकर 2 किलो RDX भर दिया गया है। उसको पीएम मोदी की मीटिंग में मंच पर लगाना है। उसकी आपको मजदूरी या ठेकेदारी में काम करने पर फंड बोनस 3 से 5 करोड़ मिलेगा। आमीन। कालिंदी एक्सप्रेस 14723 ट्रेन नंबर है, जो कि कानपुर से भिवानी के लिए जा रही थी। कानपुर नगर जनपद में शिवराजपुर थाना अंतर्गत एक बर्राजपुर रेलवे स्टेशन है, वहीं पर इस ट्रेन में पीछे से दूसरे कोच में, जो कि पैसेंजर कोच था, उसके टॉयलेट में एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ है। उसको उसमें से अंदर की प्लाई वगैरह कुछ झुलस गई है और वहीं पर एक प्लास्टिक के बैग में एक हस्तलिखित पत्र मिला है। बहुत ख़राब सी राइटिंग में लिखा हुआ है, उसमें जैसे मोहम्मद का नाम कहीं लिखा है। ये कोई भी लिख सकता है, ये एक्ट ऑफ मिस्चीफ प्रथम दृष्टया लग रहा है। इसकी जांच और गहराई छानबीन कराई जा रही है। मेरा नाम राहुल चौधरी है। अच्छा, मैं आपका रहने वाला हूँ। मैं बोगी में बैठा था इसमें, और इसके बाद में मैं टॉयलेट करके जब ही ऊपर चढ़ा उसके, एकदम धमाका हुआ। कैसा धमाका था सर? धमाका ऐसा था, अब तक मेरे कान में दर्द हो रहा है। बिल्कुल मैं पास में था उसके, बिल्कुल करीब में ही था इसके। आपको बारूद जैसी खुशबू लग रही है उसमें? हाँ, बारूद जैसी खुशबू लग रही है। पूरे डब्बे को लग रही है। तो आप तो